मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम सुमित्रा अमीश। टुडे वी लर्न साइंस सब्जेक्ट क्लास टू चैप्टर टू थर्ड डे। नाउ आई एम स्टार्ट आवर चैप्टर टू। जो ये चैप्टर प्लांट आवर ग्रीन फ्रेंड, ये चैप्टर आपको इससे पहले सेकेंड डे तक आपको फिनिश हो चुके थे, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर बाकी है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी है, अभी हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग ने यहाँ तक पढ़े थे, आज आप लोगों को आंसर क्वेश्चन लिखवाने जा रहे हैं। सो इधर देखिए आप लोग अच्छे से, व्हाई डू वी कॉल प्लांट आवर ग्रीन फ्रेंड। इसमें क्या दिए हैं, पौधे जो हमारे हरे दोस्त होते हैं, कहती हैं व्हाई डू वी कॉल प्लांट आवर ग्रीन फ्रेंड। हम पौधे को हरे दोस्त क्यों कहते हैं? तो इसमें लिखिए, We call plants our green friend because they give us food, medicine, cloth, wood, oil, paper and many other things। थोड़ा सा ये लंबा हो गया है, इसको सही से आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। What are nuts, है ना? तो nuts are dry fruits with a very hard seal, है ना? Very hard seal। Where do we get sugar from, है ना? चीनी कहाँ से मिलती है हमें? We get sugar from the juice of a sugar cane, ठीक है? How do plant make the air fresh? Oxygen make the air fresh and clean। What do we make with wood? We use two wood make furniture, door, windows, etc। अब आइए बी में, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। इस सब में क्या करना है, हमको एक ही वर्ड लिखना है। ड्राई लीव्स आर यूज टू मेक दिस, आगे पढ़ाए थे आप लोगों को, कॉम्पोस्ट। Pulp of a bamboo tree is used to make this, क्या होगा? Paper। We need this to add a tasty color and aroma to our food, यानी कि spices। We need this gas for burning, क्या होगा? Oxygen।
अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट डेट गिव अस ऑयल। ऑयल में क्या क्या था आपका एग्जाम्पल बताए थे इससे पहले, आगे पढ़ाए थे ना लोगों को। ऑयल में क्या क्या है, कोकोनट्स, कोकोनट एंड सनफ्लावर। स्पाइसी में आपका कार्डोमन लिख दीजिए, कोरिंडोर एंड कार्डोमन कर दीजिए। मेडिसिन में नीम लिख दीजिए, तुलसी लिख दीजिए। ब्रेड में लिख दीजिए आपका, ब्रेवर्स में टी लिख दीजिए, कॉफ़ी लिख दीजिए। फाइबर में लिख दीजिए जूट, कॉटन। फूड में लिख दीजिए प्योर्स एंड पल्स। अब आइए डी में, मेक दिस फोर करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस फोर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो सही होंगे उसमें इस तरह स्टेटमेंट मिल गए, जो गलत होंगे उसमें इस तरह करना। तो प्लांट आर होम टू ऑल एनिमल, क्या होगा इसमें गलत। सीड्स ऑफ सम प्लांट आर क्रश टू गेट ऑयल, कुछ बीजों के, बीजों को हम कुचल के क्या तेल बनाते हैं, तो जी हाँ बनाते हैं। वी मेक टी फ्रॉम द सीड ऑफ ए टी प्लांट, क्या बीजों से हमको टी प्लांट का वो मिलते हैं, नहीं हम लोगों को ड्राई लीव्स से मिलते हैं, तो ये गलत होंगे। नट्स गिव अस ए लॉट ऑफ एनर्जी, बादाम उन लोगों को ताकत देते हैं, तो सही होंगे। डिस्कस इन क्लासेस, तो ये तो कोई इतना वो नहीं है, इसको छोड़िए, कोई दिक्कत। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट, देखिए ये सब दिया गया, सभी प्लांट से दिया गया, इसके टू टू नेम लिखना है। फ्रूट में लिख दीजिए एप्पल लिख दीजिए, एंड पियर लिख दीजिए। मेडिसिन में लिख दीजिए तुलसी, नीम। स्पाइसी में कार्डोमोम है तो कोरिंडोर लिख दीजिए। ऑयल में लिख दीजिए सनफ्लावर एंड कोकोनट। फाइबर में लिख दीजिए जूट है आपका, कॉटन लिख दीजिए। नट में लिख दीजिए आलमंड। ग्राउंडनट ब्रिवर्स में लिख दीजिए टी एंड कॉफी। वुड में ठीक है आपका, देवदार लिख दीजिए, शीशम थे देवदार थे। डाइस में लिख दीजिए हिना हिना एंड इंडिगो। सो आज आप लोगों का ये लेसन भी फिनिश होता है। आप लोगों को नेक्स्ट दिन हम दूसरे चैप्टर चैप्टर 3 स्टार्ट करने जाएंगे। सो थैंक यू, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कंसल्ट कीजिएगा।